हेलो पंटन लोग। तो फिर यार एक और नई वीडियो शुरू हो चुका है और शुरू होते ही हम लोग यार कस्टम में आज फिर से 3 vs 3 कर रहे हैं। ओए बोले तो मैं जैक द फौजी और मेरे दो नालायक भाई। अरे यार भैया ऐसे भी मत बोलिए ना। और आज हम सबसे पहले गेम प्ले दिखा रहे हैं सिंचन मुन्ना से। हे यार सिंचन कुछ तो बोल। ओए फिर से टट्टी करने के लिए चला गया क्या? इसी बात नहीं की। अरे यार तो फिर कुछ तो बोल। मैं क्या ही बोलूं? अरे यार ऐसा है तो मत बोलो। लगता है भैया बेचारे का नेट स्लो है। हाँ यार ये फ्री फायर का हर रोज का नाटक है। कभी नेट सही होता है तो कभी फिर से नेट डाउन चला जाता है। लेकिन ये भी बात नहीं है कि किंकल। अरे यार तो फिर क्या है? मुझे लगता है आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करती। ये नेट फ्री फायर की वजह से लैग हो रहा है और इस पे हम क्या कर सकते हैं? हमारा थोड़ी ना है ये फ्री फायर। लेकिन ये भी बात नहीं है। अरे यार तो फिर क्या है? सीधा सीधा बोल ला। किंकल मैं हमारे घर में एक दोस्त को बुलाना चाहता हूँ लेकिन डरी सी बात कही आप लोग नहीं मानेंगे। तुम्हें क्या करूँ बताइए आप ही। अरे यार दोस्त को बुलाना चाहते तो बुला ले। इसमें हमने कभी तेरे को ना कहा क्या? ओए यार ये भी गजब का नाटक करता है हर रोज तू। कोई ना कोई दोस्त को बुलाता रहता है, कभी छोटू को कभी मोटू को। इसका मतलब मैं बुलाऊं मेरी दोस्त को किंकल? अरे यार बुला ले बुला ले। तो आप जाना नहीं चाहती मेरी दोस्त को नहीं बुल की? यार हर रोज तेरे एक नए नए दोस्त होते रहते हैं। ओए यार तेरे दोस्त के बारे में हमें क्या जानना? ओए बुला लेना मजे कर लेना, हम तो अपने काम में बिजी है। खैर अभी तो चलो गेम खेलते हैं। गेम में कंसंट्रेट एकदम और देख मैं कैसे मार जो रहा हूँ। तो आप लोग को जाना नहीं है तो ठीक है। तो आज हमारे घर में एकदम मस्त वाले पप्पी। यार कौन है वो पप्पी? वप्पी? अरे पप्पी करने के लिए तो कहीं उसको नहीं बुला रहा है तू पप्पी को? अभी नहीं मेरे मतलब डॉक्का छोटा सा बेबी पप्पी। ओए डॉक्का छोटा बेबी पप्पी? ओए यानी कि तू कुत्ता पालना चाहता है? ए क्या बोल रहा है सिंचन तू? हम बिल्ले हैं और बिल्ले के घर में डॉग का बेबी पप्पी? हम ऐसा नहीं हो रहे देंगे सिंचन। इसका मतलब तो मैं भी बिल्ला नहीं हूँ ना, मैं तो एक इंसान हूँ। फिर भी आप लोग के साथ नहीं रहा हूँ नहीं। ओए तेरे और डॉगी का बेबी पप्पी के बीच में फर्क है। तू इंसान का बच्चा है और वो डॉगी का बच्चा है, यानी कि हमारा जाने दुश्मन। बिल्लियों का जाने दुश्मन होते हैं डॉगी। आप लोग कौन सी जनरेशन में जी रहे हो आजकल? बिल्ली और डॉगी एक साथ साथ रहती है अंकल, आप लोग को पता नहीं है क्या? ऐसी रहने में एकदम प्यार बढ़ता है। अरे प्यार गया तेल लेने, हमें ऐसा प्यार नहीं चाहिए सीजन। शायद तुझे और किसी को बुलाना है तो बुला ले, लेकिन ये कुत्ते बिल्ली का खेल हमारे घर में नहीं होगा, समझ गए ना? आप लोग ने ही तो बोला था आप लोग मुझे दिलाएंगे। ओए हम लोग ने दिलाने का बात नहीं किया था, हमने तो सिर्फ तेरा दोस्त का बात किया था। तू बोल रहा था एक दोस्त को लेकर आऊंगा और अभी तू एकदम बात को बदल रहा है। मैं बात को नहीं बदल रहा हूँ, आप लोग अपनी वादे से मुंह फेर रहे हो। मैंने आपको पहले कहा था मैं एक दोस्त को बुलाऊंगा और आप लोग ने हाँ बोले थे, और इसका मतलब हुआ आप अभी ना बोल रहे हो तो आप अपनी बात को फेर रहे हो ना। अरे यार कहाँ कहाँ का लॉजिक लेकर आ रहा है तू? सुन मेरी बात सिंचन बुड्ढा, हम दोनों बिल्ले परिवार से है, एकदम म्याव म्याव करने वाले। और यार वो पप्पी लेकर आएंगे तो इधर कैसे होगा? म्याव म्याव के जगह हम भौ भौ करेंगे क्या? इसमें क्या ही, आप लोग म्याव म्याव के तिरे और मेरे प्यारे पप्पी भौ भौ करेंगे। यार ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे पड़ोसी देखेंगे तो बिल्ले परिवार के पड़ोसी हमें क्या बोलेंगे? ओए हाँ यार वो लोग तो हमें एकदम अपने सोसाइटी से ही निकाल देंगे, बिल्ले सोसाइटी से। अरे यार और हम ना घर के हो जाएंगे ना घाट के। तो फिर आप लोग पप्पी वाली सोसाइटी में चले जाना, यानी कि ड्रैग वाली सोसाइटी में। मैं मेरे छोटी पप्पी के साथ बात भी करूंगा और आप लोग का सेटिंग भी करवा दूंगा, वो भी फ्री में। अरे यार उसके बाद हमें हमेशा हड्डी खाना पड़ेगा, सोच रहा है ना तुम? ओए यार हम और हड्डी ये कभी हो ही नहीं सकता। हो गई, हम लोग मीट खाते हैं और हड्डी को फेंकते हैं, वही फेंका हुआ हड्डी पप्पी लोग और डॉगी लोग खाते हैं, इसीलिए हमारा दर्जा ऊंचा है हमारे सोसाइटी में। सही तो एक तीरों से दो निशाने हो जाएगा। आप लोग मीट खा लेना और मेरा प्यारा सा छोटा सा पप्पी आप लोग का हड्डी खाएगा, वो भी फेंका हुआ। अब तो ठीक है ना? अरे फिर भी ये नहीं हो सकता, हमारा फेंका हुआ हड्डी कोई
डॉगी का है, ये हम होने नहीं देंगे। क्या ही बात कर रही हूँ आप लोग यार, मान जाओ ना, मुझे एक डॉग पालना ही तो पालना ही, जैसे भी करके पालना ही। अरे यार कहाँ से लेकर आए अब फिर हम डॉग? पहले ही एक डॉग है हमारे सोसाइटी में बॉग, वो जो हमें हर रोज चिढ़ाता रहता है, और दूसरा डॉग आएगा तो वो तो उसका पार्टनर हो जाएगा, और उसके बाद हर रोज तो हमारा टक्की टक्की हो जाएगा, है ना भैया, मैं सही बोल रहा हूँ ना? उसके बाद तो सोसाइटी में दो डॉग मिलकर हमारा दो कैट का, यार अभी भी जो सोसाइटी है ना होगी और मेरा, वो लोग को वो नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए सीचर ये नहीं हो सकता। इसके मतलब एक सोसाइटी में एक डॉग होना चाहिए और दो कैट। हाँ ये बात तूने सही बोला। हाँ यार भैया, क्योंकि हमारा दबदबा भी तो होना चाहिए, अगर एक डॉगी हमारे ऊपर हमला करे तो डिफेंड करने के लिए दो एकदम बिल्ले तो होना चाहिए ना, और इधर का सब कुछ हम दो भाई संभाल लेंगे, है ना भैया? इसका मतलब आप लोग मुझे एक डॉगी पालने भी नहीं देंगे? ओए यार सचिन, दूसरे चीज का जीत कर हम लोग पूरा कर देंगे, लेकिन ये जीत तेरा हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा इज्जत का सवाल है, इसीलिए बस तेरे को सॉरी कहना चाहता हूँ मैं तो। हाँ यार, और मेरी तरफ से भी सॉरी सचिन, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे हमारे सोसाइटी में, यार कैसे आ सकते हैं दो दो बिल्ले? हाँ तो ठीक है, मेरी भी टाल लिया, मैं डॉगी पाल के रहूंगा। ओए तू बड़ों के सामने ऐसे बात करेगा सचिन? मेरी बुलाया आपका वो दो वाला रूल्स में नहीं तोड़ूंगा, यानी कि आपके सोसाइटी में सिर्फ एक डॉगी होना चाहिए ना, अब मैं दिखाऊंगा आपको एक डॉगी का पावर। ओए तो केला क्या जाता है, एक डॉगी को तो हम लोग संभाल लेंगे, ओए बस ये बॉम्ब ना हो उसके बाद तो संभाल लेते आसानी से। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ पता की? ओए नहीं पता क्या कर लेगा, बस देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। अरे यार क्या करने वाला है तुम, है एक सोसाइटी में दो डॉगी अलाउड नहीं है, वो तो तुझे पता चल गया होगा। पता चल गया, लेकिन मैं एक सोसाइटी में सिर्फ एक ही डॉगी लेने वाला हूँ, और वो डॉगी हमारे घर में होगा। अरे यार लेकिन बस एक सोसाइटी में एक ही होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो पहले ही सही है ना? उसी का बात कर रहा हूँ मैं, अब से हमारे घर में रहेगा बॉब, समझ गया कि क्या कंकल? ओए तू कहना क्या चाहता है, है तू पागल हो गया क्या? हाँ मैं पागल हो गया, आप लोग ने ही तो बोला था सोसाइटी में सिर्फ एक ही डॉगी, तो इसका मतलब आज से बॉब हमारे घर में रहेगा, और मैं अभी कॉन्टेक्ट करने वाला हूँ बॉब अंकल को, यानी कि बॉब अंकल अब से हमारे घर में रहेंगे और मेरे साथ खेलेंगे, क्योंकि मुझे एक पप्पी चाहिए तो बड़ा ही पप्पी सही, लेकिन मैं बॉब अंकल को घर में ला कर रहूंगा। समझ गए आप अंकल? अरे यार लगता है भैया ये सच में पागल हो गया। हाँ, वो तो अब पता चलेगा आप दोनों को, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बॉब अंकल को मैं बुला के रहूंगा और उसके बाद बॉब अंकल और मैं मिलकर मस्ती करेंगे। ओए अगर वो बॉब हमारे घर में आएगा तो हमारा तो हर रोज ढक्की टिक्की हो जाते हैं। अरे यार